हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस पैरामीटर हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें एक जो क्लासिफिकेशन था कि साइज बेस्ड कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की साइज के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया हुआ था। तो जो कंप्यूटर साइज के हिसाब से अगर आप क्लासिफाई करेंगे, तो जो सबसे तगड़े और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सबसे पहले तो ये कंप्यूटर वेरी कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, काफ़ी जटिल होते हैं। दूसरा क्या होता है, बिग इन साइज, ठीक है, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इनको आप लैपटॉप की तरह और डेस्कटॉप की तरह, ये नहीं कि आप यहाँ से वहाँ अपना लेके आप टहल रहे हैं, ठीक। तीसरा क्या है कि कैलकुलेशन जो है, मतलब बहुत स्पीडी है, स्पीडी कैलकुलेशंस, 1 सेकेंड में करोड़ों लाखों अरबों इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है स्पीडी कैलकुलेशंस, ये काफ़ी कैलकुलेशन जो है तेजी से करते हैं। और जनरली ये किस पर्पस से बनाए जाते हैं, जनरली पर्पस से बनाए जाते हैं रिसर्च पर्पस से। जब आपको किसी टॉपिक पे, किसी डेटा पे रिसर्च वगैरह करना है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई काम कर रहे हैं आप, तो सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए क्योंकि जो है इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये 1 सेकेंड में कई लाख इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई दे यूज फॉर रिसर्च पर्पज़। ये ऑर्डिनरी डेली काम वालों के लिए और डेली चीज़ों के लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं, मतलब जनरली जनरली रिसर्च पर्पज, जैसे आप कह सकते हो कि वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग में क्या है कि भाई मौसम कैसा रहेगा आगे का, कल का, 1 हफ्ते बाद का, 1 महीने बाद का, साल भर बाद का, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि सेटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो, और सैटेलाइट्स के थ्रू जो हमें डेटा रिसीव होता है, उन डेटा को बहुत कम टाइम में प्रोसेस करना रहता है। तो उस सब पर्पस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिसर्च वर्क के लिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी पे अभी आप जान ही रहे काम चल रहा है, न्यूक्लियर रिसर्च वर्क, इस पर्पस के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पेट्रोलियम मतलब जितने तरह के रिसर्च वर्क है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम रिसर्च वर्क, पेट्रोलियम रिसर्च वर्क, इसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूल आपको पता है कितने छोटे होते हैं, ठीक है, उनकी साइज जो है एंगस्ट्रॉम में 10^-10, 10^-8, इतने मतलब छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम कोई उसके ऊपर रिसर्च का वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल। तो आप इसको ले सकते हैं मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। और आप क्या लिख सकते हैं, जैसे क्रिप्टोलिसिस है, आप भी लिख सकते हो क्रिप्टोलिसिस, एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है और बहुत कम टाइम में, ठीक है, इन सब पर्पस के लिए हमको सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब बात ये आती है कि सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो एक ब्रीफ समरी अगर सुपर कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, तो आप कह सकते हो कि 1960 से 1960 से सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया था, मतलब कि 60 में, फिर 70 में, फिर आपका 85 से 90 के बीच में, और फिर आज की डेट में। तो आप ये कह सकते हो कि देखिए इनका जो डेवलपमेंट हुआ 1960s आप कह सकते हो, फिर आप 70s कह सकते हो, फिर आप 85 से 90 के बीच में कह सकते हैं, और फिर आज की डेट में, प्रेजेंट डेट, ठीक। तो 1960s में क्या हुआ था कि सीडीसी, ठीक है,
सियोमोर क्रे ऑफ कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं सीडीसी, इस कंपनी ने सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था, इन्होंने लॉन्च किया था पहला सुपर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, उसके बाद 1970s में क्या हुआ, इसी कंपनी के कंप्यूटर्स ने क्या शुरू कर दिया, सुपर कंप्यूटर ने कैलकुलेशन के लिए वेक्टर प्रोसेसिंग। अब वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होती है, ये कभी वेक्टर प्रोसेसिंग पे ही भी या आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट लाइन में बताइएगा, इस पे एक आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे तब, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तब आपको क्लियर। अभी मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं, वेक्टर प्रोसेसिंग मतलब जब कई सारी क्वांटिटीज को आप एक साथ प्रोसेस करते हैं तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग। तो जो 1960 में सीडीसी कॉरपोरेशन ने जो बनाया था सुपर कंप्यूटर, उसमें 70s में उन्होंने ये डेवलपमेंट किया कि वेक्टर प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद 85 से 90 के बीच में क्या हुआ कि इसका एक और कंप्यूटर, इसी इसी कंपनी का एक और आया क्रेज मॉडल। ठीक है, ये पूरी तरह से मार्केट में छा गया, ये कंप्यूटर मतलब इट ऑलमोस्ट ग्रैब्स द कंप्लीट मार्केट, दिस क्रेज मॉडल ऑफ सीडीसी कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सीडीसी आप लिख सकते हो, आप इसको, इसका फुल फॉर्म है आपका कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है, इसी इसी कंपनी का जो क्रे मॉडल था उसने पूरा मार्केट जो है कैप्चर कर लिया। अब आज की डेट में क्या स्थिति है कि आज की डेट में सुपर कंप्यूटर्स आर डिजाइंड बाय मेनी अदर कंपनीज, लाइक एचपी भी सुपर कंप्यूटर बनाती है, आईबीएम का मैंने अभी जिक्र किया था पिछले वीडियो में, ये भी सुपर कंप्यूटर बनाती है, और भी कई कंपनी अब सुपर कंप्यूटर्स बना रही हैं। ठीक है, और जो हमारा ये जो क्रे जो था ये तो है ही है, क्रे कॉरपोरेशन जो था, क्रे इंक। ठीक, ये सब कंपनी सुपर कंप्यूटर बना रही हैं आज की डेट में। क्लियर, इसके बाद क्या हुआ, ये जो कंप्यूटर्स थे आपके, इसमें क्या था कि 70s के पहले जो कंप्यूटर थे, ठीक, वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने कि 70s के बाद के हुए। और 70s के बाद के क्यों हुए इतने पावरफुल, उसमें कई टेक्नोलॉजी में कई डेवलपमेंट किया गया, जैसे कि पहले जैसा कि ये, जैसे भाई 70s से पहले के जो कंप्यूटर थे वो भाई आप यूज करते रहो, आप कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज करोगे तो जैसे जैसे आप यूज करोगे कहीं ना कहीं हीट डेवलप होती है, एनर्जी हीट डिसिपेट होती है और इक्विपमेंट गर्म होने लगता है। तो कुछ नई टेक्नोलॉजी जैसे लिक्विड कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, ठीक है, सेकंड है आपका स्ट्राइप डिस्क, ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही, स्ट्रिप्ड डिस्क, समझ रहे हैं। तीसरा क्या है आपका कि पैरेलल फाइल सिस्टम, इस स्ट्रिप डिस्क को बोला गया रेड, पैरेलल यानी एक साथ कई फाइलें, कई प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते थे, पैरेलल फाइल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, इसको आप लिखते हैं न्यूमा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेक्टर प्रोसेसिंग, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेक्टर प्रोसेसिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग। तो 60 से पहले जो है, अरे 70 से पहले के कंप्यूटर्स में ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती थी। ठीक है, जैसे लिक्विड कूलिंग से क्या रहता था कि
कि कंप्यूटर मशीन को या कंप्यूटर को या सुपर कंप्यूटर को आप और देर तक जो है नॉन स्टॉप आप उससे काम करा सकते थे, तो लिक्विड कूलिंग की वजह से वो हीट नहीं होता था। फिर आपका स्टेप डिस्क है, इसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा डाटा कम से कम जगह में स्टोर होने लगा। फिर पैरेलल फाइल सिस्टम में क्या हुआ कि एक साथ कई टास्क आप जो है कई प्रोसेस एक साथ कैलकुलेट करने लगे, ये फायदा हुआ। फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, मतलब कि जो मेमोरी, अब देखिए जब डिटेल में जाएंगे तब आपको ये सारी चीजें हम डीप में बताएंगे, क्योंकि अगर एज ए टेक्निकल लेक्चर आपको लेंगे तो फिर ये आपके कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका SSC है, बैंक है, रेलवे है, ये इसमें डीप में नहीं जाते। इसमें क्या है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक। बाकी जब डीप की जरूरत पड़ेगी आप कमेंट लाइन में लिखिएगा, मैं हर एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, वेक्टर प्रोसेसिंग। तो इन नई टेक्नोलॉजीज का जब इस्तेमाल किया गया कब, 1970 के बाद, तो जो कंप्यूटर बने वो और ज्यादा पावरफुल थे अपने प्रीवियस कंप्यूटर्स थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल आप ऐसा कुछ नाम बताइए सुपर कंप्यूटर्स के आज की डेट में, तो आप चाहे तो कुछ नाम सुपर कंप्यूटर्स के जो आज की डेट में अवेलेबल है वो आप, एक तो आप क्रे कंपनी का लिख लीजिए, क्रे, और इस समय जो भी मॉडल चल रहा हो उसका, जैसे XMP24, क्रे XMP24, ये एग्जाम्पल्स हो गए कुछ, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक। उसके बाद है आपका CDC, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, इस समय मॉडल चल रहा है CDC 7600। CDC 7600 जो है ये भी मॉडल इस समय सुपर कंप्यूटर का चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका NEC 00, NEC, ये भी एक कंपनी है, 00, ठीक है, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है जो इस समय अवेलेबल है। फिर है परम 9000, फिर है परम, PARAM, परम 9000। तो ये सारे वो नेम है सुपर कंप्यूटर के जो आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में अवेलेबल है। तो आई होप को आपको आप आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए इसमें ज्यादा टेक्निकल में आप जाएंगे, आपके सिंगल डे वन डे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम है, आपके SSC है, बैंक है, रेलवे है, और भी सारी चीजें RRB वगैरह के हैं, तो आपको ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है, आपको एटलीस्ट केवल इनके नाम और जितनी बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से आपको करना है। हाँ, अगर आप में से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड है कि इसके डीप में या टेक्निकल डिटेल्स में, तो आप प्लीज कमेंट लाइन में उसको मेंशन कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अगर कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो आप कमेंट लाइन में करके पूछिए, और अगर आप चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।